बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 का आज है ग्रैंड फिनाले, यानी कि आज हमें मिल जाएगा सीजन 12 का विनर। और ये ग्रैंड फिनाले बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि इस ग्रैंड फिनाले का मजा दोगुना करने के लिए घर के अंदर एंट्री मारी है भारती सिंह ने। जी हाँ, भारती सिंह ने घर में एंट्री मारते ही वहाँ का माहौल ही बदल दिया। घर वाले भारती सिंह की एंट्री से काफी खुश नजर आए और भारती सिंह ने उन्हें काफी एंटरटेन किया, हंसाया और गुदगुदाया। इस दौरान भारती सिंह घर वालों के लिए एक और तोहफा लेके आई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आप लोगों ने सोचा या ना सोचा कि आप लोग घर से बाहर जाने के बाद क्या करेंगे, लेकिन आपके फैंस ने सोच लिया है, बल्कि उन्होंने तो बता भी दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस दौरान वो घर वालों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाती हैं। तो इसी दौरान करणवीर बोहरा के लिए उनकी एक फैन कहती है कि केवी को टीवी पर एक्टिंग करनी चाहिए, और इसे सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान हंसने लगता है। और केवी भी कहते हैं कि मुझे अब इस बात पर विचार करना पड़ रहा है कि पिछले 18 सालों से मैं कर क्या रहा था, लेकिन आपकी बात पर मैं गौर जरूर करूंगा और मैं एक्टिंग टीवी पे जरूर करूंगा। और जब केवी के बारे में बात चल रही होती है, तो इस दौरान दीपक को लेकर एक इंसान ये कहते हैं कि आपको प्लम्बर बनना चाहिए, और इस बात को लेकर भारती ये कहती है कि उस बेचारे का भी कोई दोष नहीं है, आपकी शक्ल इतनी पैनी है टूटी जैसी, कोई भी कहेगा कि आपको प्लम्बर बनना चाहिए। और फिर बारी आती है दीपक ठाकुर की, तो उनके एक फैन ये कहते हैं कि दीपक को एक्टिंग करनी चाहिए, और भारती भी उनकी तारीफ में ये कहती है कि हाँ, आज तो तुम हैंडसम भी लग रहे हो। और फिर उनसे पूछ भी लेती है कि आप बताएं कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, तो वो नाम लेते हैं कैटरीना कैफ का। और इस बात को लेकर भारती उनका काफी मजाक उड़ाते हुए नजर आती है। सो ओवरऑल ये घर वाले भारती के साथ काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।